लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मंथन का दौर चल रहा है। कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, आज चुनाव समिति की बैठक हुई है। प्रभारी सचिन पायलट और दीपक बैज की अगुवाई में इस बैठक में पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत तमाम नेता शामिल हुए। इस बीच कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की प्रमुख रजनी पाटिल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्रियों को चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव है और इस पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। रजनी पाटिल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, आज प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है मैम, किस तरह की स्ट्रेटेजी होगी लोकसभा को लेकर? एक तो हमारे दिमाग में ये है कि सबको लेके हम साथ में चलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे अध्यक्ष, हमारे इंचार्ज, हमारे सभी प्रभारी, ये सब मिलके हम इसका डिसीजन ले लेंगे। सर, एक बात आई थी कि एक्स सीएम पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो राजनांदगांव से लड़ सकते हैं और तमाम और जो मंत्री हैं वो भी पूर्व मंत्री जो हैं वो लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हाँ इसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, अभी जैसे भी सुझाव आएंगे उसके ऊपर हम पूरा विचार विमर्श करेंगे और हम सभी नेताओं के बाद और वरिष्ठ नेतागण के साथ बातचीत करके उसका निर्णय ले लेंगे। लेकिन आपको लगता है कि जो चेहरे खारिज हो चुके हैं उनके ऊपर आप दाव लगाएंगे, मतलब एक बड़ा रिस्क ले सकती है? उसके ऊपर चर्चा होगी, मैंने वही बोला, चर्चा करके ही निर्णय लेंगे। महिला वोटर्स बड़ी संख्या में, तो क्या महिला प्रत्याशी आप उतारेंगे? हमारे तो महिला एमपी है न छत्तीसगढ़ में, महिला सांसद है इनकी पत्नी। तो ये है, प्लीज तो ये रजनी पाटिल है और इन्होंने बताया कि एक कोशिश यही है कि लगातार बातचीत चल, लेकिन एक यूथ चेहरों को क्या आप देखिए, ये सभी चर्चा आज होगी हमारी मीटिंग में और उसके बाद में ही हम बता सकते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे जी। तो ये उन्होंने बताया कि प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है और ये जो बैठक है इसमें किस तरह की चर्चा की जाएगी, और उन्होंने कहा कि महिला और जो यूथ जो है उनको खासतौर पर प्राथमिकता दी जाएगी। कैमरा पर्सन सचिन नवीन के साथ ममता लांजी, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूर्व मंत्रियों को लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है, इस पर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने तंज कसा है। नेताम ने कहा कि राज्य में कांग्रेस के लिए एक सीट भी जीतना मुश्किल है। विधानसभा चुनाव में जनता ने जो जनादेश दिया है बीजेपी को, उससे कांग्रेस हिल गई है। कांग्रेस की जो स्थिति है वो कदम ताल कर रहे हैं, आप पूर्व मंत्री को उतारेंगे, पूर्व सांसद को उतारेंगे कि किनको उतारेंगे वो उनका निजी मामला है। बहुत कुछ मुझे नहीं कहना, इतना ही है कि अभी कांग्रेस एक तरह से निराश है, हताश भी है और टूट चुके हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से एक वातावरण बना करके चल रहे थे कि नहीं हमारी सरकार रिपीट हो रही है, अब जब प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया उससे ये पूरी तरह से हिल गए हैं।